यहाँ उपस्थित सभी लोगों को हमारे पूरे नुक्कड़ टीम की ओर से प्यार भरा नमस्कार। आज हम नुक्कड़ टीम की ओर से एक नुक्कड़ नाटक देखने के लिए सफाई अभियान पर एकत्रित हुए हैं। उसके पहले आज से नवरात्रि शुरू हो रही है, इसीलिए सभी को नवरात्रि पर्व के खूब सारी शुभकामनाएं और हमारे पूरे टीम की ओर से समस्त प्रताप नगर कारखाने के परिवार के लिए बहुत सारी प्रार्थनाएं। आइए शुरू करते हैं नुक्कड़ नाटक सफाई पर। जहाँ देखो सफाई अभियान की बातें हो रही है, लोग बात सफाई पे चर्चा कर रहे हैं, घरों में भी यही बातें हो रही है, स्कूल में कॉलेज में यही सब चल रहा है। लेकिन क्या ये सफाई अभियान सिर्फ मीडिया के लिए है? नहीं। तो क्या ये न्यूज़पेपर के लिए है? नहीं। तो जरूर ये हेडलाइंस के लिए होगा? नहीं। तो फिर ये किस लिए हो रहा है सफाई अभियान? हम सबके लिए। जी हाँ दोस्तों, ये सब सफाई अभियान अपने लिए हो रहा है, ताकि हम अपने घर में सफाई कर सके, स्वस्थ रह सके और हमारे गली मोहल्लों को भी स्वच्छ रख सके, ताकि हमारा देश सुंदर हो सके। मगर क्या ये सफाई सिर्फ एक दिन करने से हो जाएगा? नहीं। जी हाँ, हमें इसे अपने संस्कारों में ढालना चाहिए, इसे अपने रोज का स्वभाव बनाना चाहिए, ताकि हम रोजमर्रा की जिंदगी में स्वभाव के तौर पर सफाई करते रहें, सिर्फ 2 अक्टूबर या 10 दिन 15 आगे पीछे ना करें और हमारे देश को स्वच्छ बना सके। एक जिम्मेदार नागरिक के तौर पे हमें ये अपनाना चाहिए और रोज स्वच्छता की ओर कदम बढ़ाना चाहिए। मैडम, ये तो हुई समझाने की बात है, लेकिन हकीकत क्या है? हाँ, आइए देखते हैं हकीकत क्या है। अब देखिए पहला दृश्य। आलू ले लो, कांदे ले लो, सब्जी ले लो। वो सब्जी वाले भाई साहब, एक किलो आलू, एक किलो कांदा दे दीजिए आप। ऐसे कैसे लेके जाऊंगा मैं घर से? या प्लास्टिक में दीजिए। प्लास्टिक तो नहीं है मेरे पास। प्लास्टिक में अगर आप नहीं देंगे तो फिर मैं इसे लेकर नहीं जाऊंगा, फिर आप अपनी सब्जी अपने पास ही रखेंगे। भाई साहब रुकिए रुकिए, आपको पता है कि प्लास्टिक से इतना सारा नुकसान होता है, फिर भी आप प्लास्टिक मांग रहे हैं। आप प्लास्टिक यूज करके फेंक दीजिए, गाना भी नाले जाम हो जाएंगे। अगर उसमें खाने की वस्तु रखते हैं तो जानवर उसे खा लेते हैं, इसी कारण उसकी मृत्यु हो जाती है। यहाँ तक कि उसी प्लास्टिक में अगर हम लोग यूज करते हैं तो हमें भी कैंसर होने की संभावना रहती है। कैंसर होने की संभावना? घर से जब भी निकले एक कपड़े की थैली लेकर आए। ओके, बात से इस बात का ध्यान रख। जरूर। सोनू, ये जो तू मांगता है प्लास्टिक, प्लास्टिक से होता है कैंसर। कैंसर को मांगना तू छोड़ छोड़, छोड़ से नाता तू जोड़ जोड़, जोड़ जोड़ स्वच्छता से नाता तू जोड़ जोड़, जोड़ जोड़ सोनू। आइए देखते हैं दूसरा दृश्य। मैं एक स्वच्छ दीवार हूँ। ठीक है, मैं देख लूंगा। हाँ ठीक है, ओके। कोई नहीं। अरे अरे भाई साहब, ये क्या किया आप? पढ़े लिखे मालूम होते हैं फिर भी ऐसा काम कर रहे हैं? ये क्या है? अरे मेरे घर की दीवार है। मेरे घर की दीवार नहीं है, पर ये सार्वजनिक दीवार है। ये मेरे शहर की दीवार है, मेरे देश की दीवार है। आपको पता है इस तरह के थूकने से कितने तरह की बीमारियां फैलती है? बीमारियां? जी हाँ, बीमारियां। आपको इस तरह से थूकने से कई तरह के इन्फेक्शन फैलते हैं, जिससे आपको नहीं पूरे समाज को खतरा है।
आपको पता होगा कि अभी अभी हमारा देश कोरोना काल से गुजरा है, आपको इस तरह की बीमारियां फैलाने से पहले 10 बार सोचना चाहिए, इसे नहीं टूटना है। ठीक है दोबारा ध्यान रखूंगा। सोनू 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 स्वच्छता से नहाता है तो जोड़ 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 पेट दर्द कर रहा है, ऊपर से आप मारे जा रहे हो। मैं जा रहा हूँ। अरे जा रहे कहाँ जा रहे हो? मैं खेतों में जा रहा हूँ। खेतों में क्यों? हल्का होने हल्का होने। जा जा जल्दी जा। अरे भाई कहाँ भागे भागे जा रहे हो? अरे मेरा पेट में दर्द हो रहा है, मैं खेतों में जा रहा हूँ। अच्छा साथ चलोगे क्या? चलो भाई चलते हैं। चलो भाई जूता तो ले लो भाई। जाएंगे कहाँ? चलो झाड़ी के पीछे बैठ जाते हैं, कोई देखेगा नहीं। ठीक है ठीक है। अरे भाइयों मैं भी इधर ही हूँ, बैठो। अरे जानते हैं घर में तो शौचालय बना हुआ है, तू बंद कमरे में रू भाग। सरकार ने बड़ा गलत किया है शौचालय बनवा के, ये जो खुले में मजा है ना बंद कमरों में नहीं। भाई थोड़ा ज्यादा बना रहे हैं, घूमने भी दीजिए। क्या भैया इसके बिना आपको परेशान नहीं कर रहा है? अरे वो झाड़ियों के पीछे कौन है? सरकार ने खुले में शौच करने से प्रतिबंध लगा दिया है, फिर भी लोग हैं कि बाज ही नहीं आते। खुले में शौच करने से गंदगी फैलती है, इससे तरह तरह की बीमारियां होती हैं, जैसे कि टाइफाइड, कोलेरा, पीलिया इत्यादि। इसीलिए हमें खुले में शौच नहीं करना चाहिए। इतना ही नहीं, इससे हमारा भूजल और हमारा कृषि उत्पाद भी प्रदूषित होता है। और हाँ, खुले में शौच करने से सुरक्षा का भी खतरा होता है, खासकर महिलाओं के लिए। इसके अलावा आप सबको पता होगा कि खुले में शौच करने से सरकार जुर्माना भी लगाती है। जुर्माना? जी हाँ जुर्माना। ये भाई शौचालय ही सही है। हाँ चलो चलो चलो। सोनू 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 भारत में फैली है गंदगी। गंदगी व्यक्ति करती है सबकी। सबकी गंदगी से गंदगी का साथ तू छोड़ 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 लाख समझाया भैया को, उन्होंने जितना छोड़ी तो फिर कचरा फैला रे सड़कों पे बाजार में कचरा फैला रे। आइए देखते हैं चौथा दृश्य। झाड़ू मार मार के हालत खराब होने लगी। तो सफाई अभियान चल रहा है, मैंने तो फेसबुक व्हाट्सएप में अपडेट ही नहीं किया है। रुको अभी अपडेट करता हूँ। एक मिनट। क्यों क्या हुआ? अरे एक मिनट, अरे झाड़ू आया नहीं है। रुक जाया झाड़ू अच्छे से आप। अभी मैं व्हाट्सएप अपडेट में अपडेट कर देता हूँ पूरा का पूरा कि मैंने सफाई अभियान में
हिस्सा लिया। ये तो अपना काम करके चले गए, ये तो हमें ही करना है। हाँ ये तो अपने को ही करना है। चलो भाई साहब कचरा डस्टबिन में डालिए। अरे सॉरी सॉरी। हाँ जी आप सबने किस तरह से सफाई अभियान में अपना फोटो खिंचवा करके उसे फेसबुक व्हाट्सएप और इंस्टा पर अपलोड करके सफाई अभियान में अपनी सक्रिय भागीदारी का प्रदर्शन करते हैं। क्या इस तरह से भारत स्वच्छ होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। हमारे प्रधानमंत्री जी ने 2 अक्टूबर 2014 को प्राचीर से, लाल किले की प्राचीर से इस अभियान की शुरुआत करी। कल ही हमने पूरे 10 साल पूर्ण किए हैं। क्या हमने पूर्णतया सफलता हासिल कर ली है? नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन हाँ, काफी लोगों पे इसका बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा है। छोटे छोटे बच्चों ने भी इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है, वे भी सफाई के प्रति जागरूक हो गए हैं। इसे हमें न केवल साल में एक या दो बार अभियान के तहत इसको कराना है, हमें इसको निरंतर प्रक्रिया में अपनाना है। आइए हम प्रण लेते हैं कि ना मैं कचरा करूंगा, ना दूसरे को कचरा करने दूंगा, ना दूसरे को कचरा करने दूंगा। ये बात सोनू 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 मेरे घर में है कचरा, कचरा कचरे से है बड़ा कचरा, कचरा डस्टबिन का ढक्कन है गोल 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 गोल, डस्टबिन का ढक्कन है गोल 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 गोल, चिंता का नारा तो गोल 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 गोल, सोनू सोनू सोनू। आप सबने देखा कि सफाई कैसे करनी चाहिए और होती कैसे, तो जैसे होती है वैसे नहीं करनी चाहिए, जैसे बताया गया है कृपया उसी तरह करें और रोज करें, ताकि हम अपने स्वास्थ्य का ख्याल रख सके, हमारे गली मोहल्लों को स्वच्छ रख सके और देश को सुंदर बना सके। इसीलिए हम सब मिल के संकल्प लेते हैं भारत को सुंदर और स्वच्छ बनाने के लिए। हम सब ने ये ठाना है स्वच्छ भारत बनाना है, हम सब ने ये ठाना है स्वच्छ भारत बनाना है, स्वच्छ भारत बनाना है, हम सब ने ये ठाना है स्वच्छ भारत बनाना है, हम सब ने ये ठाना है। Hey, hey, hey.